नमस्कार सर भाई, आप देख रहे हैं अपना चैनल डेयरी फार्मिंग विनोद गिरी, और मैं विनोद गिरी आज पहुंचा हूं बड़ौत के बाज़ार में। बड़ौत के बाज़ार में एक से एक अच्छी रोटियां आती हैं, ज्ञापन जोटियाँ आती हैं। इसमें एक से एक शानदार और झोटे बुग्गे वाले झोटे, छोटी बड़ी कटियाँ, सभी तरह के पशु आते हैं। जिस भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब लाइक जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। हमारे चैनल पर हमेशा हर बाज़ार की वीडियो आती है। अब हम कुछ भैंसों को दिखाएंगे जो कि अपन भैंस हैं, और उनकी करेंगे कीमतों की जानकारी। देखिएगा ज्ञापन भी आगे आएंगे। ये जो सामने हम झोटी दिखा रहे हैं, ये अभी बिना ज्ञापन है। और देखिएगा झोटी कितनी शानदार झोटी है, बिल्कुल छोटे सिंगा वाली चली है, छोटा की करी। और झोटी की लंबाई ऊंचाई बड़े बेहतरीन बेहतरीन वाली है, पुट्टे से बढ़िया। और देखिएगा झट झड़सन भी सभी साफ सुथरी है। झोटी जो है बहुत ही अच्छे वाली झोटी। अभी बातचीत करेंगे इसकी कीमतों की। तो ये बताओ कीमत और बताओ। रोक ले ऐसो बोल दो, क्या हाल है छोटू? ठीक है। क्या नाम है? अनस। कहाँ के रहने वाले? गेंगेरू का। हाँ, गेंगेरू जंगेरू। तू जो झोटी ले रहे हो, कौन से ब्याह की हो? ये दूसरे ही। हाँ, दूसरे ही। दूसरे ब्याहरी और कितने ज्ञापन में? नहीं, 2 महीने की ज्ञापन। अच्छा, ज्ञापन है 2 महीने की। पास हो रही? पास। गारंटी। और दूध कितना? दूध 10.5 किलो। 10.5 किलो। 10.5 किलो में 9 भी हो सके? 9 भी हो सके। 10.5। 10.5 ही है पक्का? और बच्चा कहाँ है इसका? बच्चा नहीं है। तो इसकी क्या कीमत कर रखी है? 65.5। 65.5। तो 65.5 में कुछ हो जाएंगे कम या फिक्स है? तुम बताओ। हम तो 50,000 बता रहे। कितने? 50,000 बता रहे। अच्छा। हाँ, नहीं हो मैं तो कितने की बिकेगी आखिरी? अच्छा, कहाँ तक की जाओगी वैसे? 65 की जाओगी। सुबह से लगी कुछ की में नहीं लगी? लग रही है सुबह से। कितने लगी है? 64-65 लग रही है। ठीक है, देखेगा भाई बता रहा है। बाकी बाकी कीमत इतनी लगी नहीं है, नहीं तो चली जाती है। जरूर दिखाऊँ। देखेगा एक से एक बेहतरीन भैंस आई भी हैं, और अभी कुछ भैंसों को दिखाएंगे। सबकी जानकारी नहीं होती है। ये जो सभी भैंस है बंदी भी हैं, ये कुछ क्या बने हैं, कोई कुछ खाली भैंसे हैं। देखेगा कितने बेहतरीन भैंस हैं। और एक भाई बता रहे हैं कोई बेहतरीन झोटी है, उसे दिखाते हैं हम चल के। देखेगा कुछ व्यापारी भाई थके फुर्सत से बैठ गए। हम बेग भाग के बैठे, देखो। देखेगा व्यापारी भाई तसल्लीपूर्वक बैठ गए। बेग के नोट इकट्ठा कर लिया इन्होंने। देखेगा एक और झोटी दिखा रहे हैं, जिसकी झोटी की तारीफ कर रहे थे व्यापारी भाई। नहीं, खोल के लाओ। खोल के झोटी जो है पीठ पुट्टे से बहुत बेहतरीन बड़ी ठनी है। और इस झोटी के लिए सब बहुत व्यापारी बता रहे थे, बहुत व्यापारी भाई तारीफ कर रहे थे। देखेगा झोटी के भाग्य ले आ, तेरी झोटी मजबूत है, भग जाएगी पूरे बाजार में। झोटी जो है बहुत ही बेहतरीन है। पीठ पुट्ठे से बहुत बढ़िया बड़ी ठनी है। अभी बातचीत होगी इसकी कीमतों की। नीचे दिखाता हूँ इसके थन। देखा दूध तो थोड़ा ही होगा, लेकिन थन जो है बहुत साफ सुथरे थन है, और पेट पेट पुटे के बहुत बेहतरीन है।
कान में लगाऊं इसे? क्या हाल है भैया? बढ़िया जी। क्या नाम है? काला। भोरा था बतेरा देख रहा हैं? काला ये जी। अच्छा नाम काला ही है? जी। अच्छा कहाँ के रहने वाले हैं? कुतने के। इधर जोटिया तुम्हारे कौन से मियाद के भैया? ये दूसरे मियाद के है जी। दूसरे मियाद के। और कितने गैप बना रही? ये गैप बना रही है 4 महीने की। 4 महीने की जी। और दूध कितना होगा इसमें? दूध है जी इसमें 8 लीटर। 8 लीटर? 8 लीटर तो ना दिखना रहा कहाँ? 8 लीटर ही है जी। 8 लीटर है। जड़ तो इसका दिखाई ना दे रही? जड़ तो दिखाई देगी जी इसकी शाम के टाइम दूध के टाइम पे। क्यों बाजार ना लगा रखा है जी? इसका सुबह दूध निकली हुई। दूध निकली हुई है जी? तो दूध निकली हुई ले बाजार में? हाँ जी। ये बेकार जी हमने यही सुबह इसका। अच्छा खरीद दिया था हमने। हाँ जी। देखिएगा ये जो जोटिया है ना भाइयों ने खरीदी है, कितने की खरीदी? ये लीजिए 1,40,000 की। 1,40,000 की। झूठ कितना है इसमें? झूठ कुछ भी नहीं है जी। हैं? कौन सा आपसे खानी खा रहे? झूठ कुछ नहीं है जी। झूठ कुछ नहीं है जी। झूठ पूरी सच्चाई की बात है? सच्चाई है जी। अच्छा जो जोटी ली है इतनी महंगी ली है तुमने, तो किस उसमें ली कितना दूध निकाल देगी? ये दूध निकाल देगी 20 से 21 लीटर। 20 लीटर निकाल देगी? इतना निकाल देगी बिल्कुल। तो घर के लिए ले बेचने वास्ते? घर के लिए ली जी। घर के लिए ली। देखेगा भाई ने कीमत जो है बताइए, बहुत कीमत है। लेपर बात करें जोटी बहुत अच्छी है जी। बहुत बेहतरीन वाली जोटी है। देखेगा साइज बहुत बढ़िया वाला है और 1,40 की खरीद बता रहे हैं। तो यू एक ही खरीदी और भी खरीदी है? तो जी बहुत खरीदू जी। बहुत खरीदे है? 15 भैंस हर पीठ में से खरीदू जी। अच्छा मतलब व्यापार का काम है? व्यापार का काम है, डेयरी है जी मेरी हरियाणा में। हरियाणा में डेयरी तो लेने बेचने का काम? लेने बेचने का काम है। जोटी घर रखो, मैं ज्यादा स्पेशल में जोटी ली मैंने। चलो ठीक है भैया जी। देखेगा भाई ने जो कीमत बताइए की कीमत बताइए दिखा भाई सर। देखो सर कीमत बहुत बताइए, हो सकता है व्यापार का काम है थोड़ी बहुत बढ़ा के बता दियो, लेकिन हमें जो ये बता रहे हैं कि हमने इतनी असलियत में ही खरीदी है। नहीं असलियत में खरीदी ही रही करी मैंने। असलियत में खरीदी हुई बता रहे हैं। 15 भैंस खरीदूँ मैं। हाँ दिखा रहे हैं जोटे को। क्या बने हो? चले जाएगा पहलवान कटिया ले रहा है भाई। एक कटिया ले रहा है पहले ही भैंस की कटिया। और क्या बन है? बिल्कुल देखेगा सिर सिंगार, बिल्कुल गोल सिर सिंगार है। और नीचे दिखाता हूँ थोड़ा बहुत, थोड़ी बहुत जड़ थन दिखाते हैं। थन साफ सुथरे थन है। आ जाओ भैया। क्या हाल है भैया? बढ़िया जी। क्या नाम है? इसराइल। कहाँ के रहने वाले? जिमाना। जिमाने के जी। अच्छा ये जो कटिया ले रहे हो पहलवानी आए तो? हाँ पहलवान। उम्र में कैसे रही दांतों से? दांत दो। दो ही दांत है जी। देखेगा भाई की कटिया जो दो ही दांत है और कितनी भाई दो दांत के हिसाब से कटिया जो है सही है। थोड़ी ऊंचाई तो कम है, मीडियम साइज की है। तो ये क्या बन कितनी आ रही भैया? हाँ जी। तो भैया ये कटिया तुम्हारी कितने की बना रही? यह 6 महीने की है जी। 6 महीने की पक्की गारंटी वाली? पक्की गारंटी की। और क्या कीमत का रखी? 56,000 रुपये। 56,000 रुपये? 56,000 जी। तो ये जो 56,000 बताए हैं ये देने की बताए जी? तो ये देने की बताई जी। क्योंकि सौदाबाजी अलग है बाजार में? बस सौदाबाजी इसमें ज्यादा नहीं, 1,500 का फर्क है। अच्छा मतलब आ जाओगे और नीचे को तो 56 में तो फिर 50-52 पहुँच ही जाओगे। बस जी हाँ पहुँच जाओगे। देखेगा भाई वैसे तो फिक्स बता रहा था लेकिन इतने पहुँच जाएगा। जैसे सुबह से ला रखी तो कुछ लगी कीमत सुबह से भी? नहीं लगी। कितने तक लग ली? 50-52। 50-52 लग ली। 51-52 की दर देने को ही कह रहे? इतने की नहीं दे रहे, देने रहे दे नहीं रहे इतने। तो कितने की देगा जानी? बस 1,500 से कम करेंगे। 1,500 से करोगे? 55-56 की। मतलब पहले सौदा ऊपर चल रहा होगा जब इरादा फालतू करा बेचने का। चलो ठीक है भैया जी। देखेगा भाई ने जो कीमत बताई है कीमत कटिया के हिसाब से सही है। और दिखा रहे हैं भैंस, एक और ले रहे हैं। क्या बड़ी भैंस होंगी? एक और भैंस दिखा रहे हैं। कोई जट्टी की जरा भैंस भी आ जाती है। हाँ भैया चलिए थोड़ी सी भैंस का ज्ञापन है। देखिएगा ज्ञापन भैंस है और सिर सिंगार थोड़ा खुला जरूर है लेकिन भैंस की ऊंचाई लंबाई सही, ऊंचाई लंबाई ठीक है। ले लिया मुँह मोड़ ला वापिस। और सभी तरह की भैंस आती हैं, एक से एक अच्छी जोटी भी आती है। क्या बन जोटियाँ हैं? क्या मेरे दिखाते हैं? अभी दिखा रहे हैं। हमारा फोटो भी लगा दिया मुरादाबादियों को। हाँ सुरख लग रख लिया। अभी दिखा रहा हूँ, अभी दिखा रहा हूँ। अभी इनकी पूछूँ, अभी एक मैं इसकी बात कर लूँ। अरे भैया रख ले। भैंस जो है थनों से बहुत ही साफ सुथरी है। क्या हाल है भैया? बढ़िया जी। क्या नाम है? मेरा नाम अरुण। कहाँ के रहने वाले? कांदला। हैं? कांदला। कांदले के? ये जो भाई भैंस ले रहे हो
ये कौन से ब्यांत की है? तीसरे ब्यांत की। तीसरे ब्यांत की, और क्या पन भी है? तीन महीने की। बच्चा ना इसका? बच्चा नहीं है। और अब दूध कितना? आठ किलो। बाजार वाला? जी बाजार वाला। हाँ, घर वाला खूब ठंडा हट गए। घर वाला ही 8 किलो? हाँ। लग तो ना रह जड़ तो थोड़ी जगह बना रही है। नहीं लग रहा, ऐसे ही देगी चार एक किलो ही? नहीं जी नहीं। और बैठा देगी, पक्का ही है? देखेगा भाई जो पक्का 8 किलो दूध बता रहे हैं, हो सकता है थोड़ा बहुत कम हो। तो इसकी क्या कीमत रखी भैया? 72,000 रुपये। तो ये 72 फिक्स है, कुछ कम भी आओगे? कमती पत्ती कर लेंगे। कमती पड़ती सभी कर लोगे? कितने कम हो जाएंगे जब कोई आएगा? जब कोई आएगा मैं सोच लो आई गए ना बता दो बस, कहाँ तक हो जाएंगे? कर लेंगे। देखेगा कुछ ग्राहक भाई खड़े हैं, सौदा भी चल रहा है, इसलिए भाई बता नहीं रहे। वैसे बता रहे थे, बताए इन्होंने कि 65,000 तक की भैंस को देके जाएंगे जब मौके पर लगता है। मौके पर ग्राहक खड़े हैं, सौदा चल रहा है, तो इसलिए भाई हमें मौके पर नहीं बता रहे हैं। ठीक है भैया जी, ठीक है जी। देखेगा एक और भैंस है, बड़े साइज की भैंस है, और जड़ जो है बहुत ही बढ़िया जड़ बना रही है भैंस का साइज बहुत बेहतरीन साइज है, पीठ पुट्ठे बहुत बढ़िया। अगर शरीर भैंस का बन जाता है तो बहुत चौड़ी पुट्ठों की भैंस बैठती है। अजय भैया क्या हाल है भैया? बढ़िया भाई साहब। क्या नाम है? खालिद भाई। कहाँ के रहने वाले? टोडा किलानपुर। जो भैंस है तुम्हारी कौन सी बार ब्याह हुई? ये तीसरे ब्याह होगी भाई। तीसरे ना हमें लग रही, चौथे पांचवे ब्याह नहीं हो? तीसरे ही है। और क्या बन भी है? साढ़े तीन महीने की। बच्चा इसी का ही है? बच्चा इसी। क्या है बच्चा? कटिया। कटिया भी है। और अब दूध कितना है इसमें? 9 किलो। 9 किलो 9 किलो बाजार वाला? बाजार वाला। और घर वाला कितना? घर वाला ही है। बाजार घर अलग ही थोड़ा ही होगा। अच्छा, एक ही बात हो जाएगी? हाँ। ना बाजार में तो कोई भी बता दे, 20 बता दो, 30 बता दो, झूठ नहीं बोल ले जा। ऐसा झूठ नहीं बोल ले जाता, ऐसा झूठ नहीं बोल ले जाएगा। और इसकी क्या कीमत रखी भैया? 1.5। 1.5। कीमत तो लैंड वाली बता दी। 1.5 की है जी। 1.5 मगर कीमत तो बिल्कुल लैंड में वाली बता दी, ताजी वाली। 2.5 लाख की बिकेगी इंशाल्लाह। बाद में 2.5 की बिक जाएगी? क्यों, ताजी कितना दूध काट दे? 22 किलो। 22 किलो सबकी 20-22 ही काट दे? 22 किलो काट दे भाई। अच्छा, ये 1.5 बताइए, ये देने कितने की है? और 1,500 कमती हो जाएगी। बस 1,500 का ही खेल है, तो मतलब 1 तक की देनी है। अच्छा, सुबह से लगे पैसे कुछ नहीं लगे? लग रहे भाई जान। कितने लग गए? नूना पूछो। अच्छा, देखेगा भाई के ग्राहक खड़े हैं तो इसलिए नहीं बता रहे। ग्राहक खड़े हैं, और जैसे बड़ौद के बाजार में कभी गाय नहीं देखी हुई, आज गाय भी आई हुई है। ताजी पहलवानी बची आई, किसकी गाय? देखेगा मौके पर व्यापारी बैठे हैं, और सौदाबाजी भी चल रहा है। ये पहलवान बच्चा आई हुई है, ताजी भी आई हुई है। थाने जगह नीचे दिखाता हूँ, पपैया थाने। इसके मालिक अभी सौदाबाजी में लगे हुए हैं। आगे उठते बाजार के अंदर गाय भी आई हुई है ताजी। और चाचा ठीक हो? हाँ जी ठीक है। क्या नाम है? हाजी सियाक। कहाँ के रहने वाले हो? कोताने के। जो गाय ले रहे हो? हाँ। कौन से ब्यांत की है? खार के प्यारी। इसके थन पपैया है? हाँ, पपैया थोड़ा चला है, उसमें भी दाल थोड़ा चलता है। अच्छा, कितना दूध है इसमें? दूध 12 किलो। 12 किलो। और कीमत क्या रखी? कीमत 45,000 रुपये। 45,000। तो कुछ कम भी होंगे फिक्स है? कम बच्चे। अरे क्या मुँह लगाओ।